में पंचायत आरक्षण पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो जबलपुर इंदौर ग्वालियर में लगी याचिकाओं पर आज सुनवाई होने जारी है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुनवाई होगी हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, जो आरक्षण का मामला था उस पर जो याचिकाएं लगाई गई है उस पर आज सुनवाई होगी। तो ग्वालियर जबलपुर इंदौर में जो याचिकाएं लगी हैं उस पर आज अंतिम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट अपना फैसला जो है पंचायत आरक्षण को लेकर रखेगा, तो सभी की निगाहें आज रहेंगी क्या कुछ सुनवाई जो है कोर्ट करता है, क्या कुछ निर्णय पंचायत चुनाव को लेकर होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अहम सुनवाई आज होने जा रही है और आज का दिन भी अहम, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हुई है, लेकिन जो याचिकाएं लगाई गई है ग्वालियर इंदौर और जबलपुर में उसको लेकर आज सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ फैसला सरकार कोर्ट देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पंचायत आरक्षण पर हमने हमेशा देखा सियासत भी देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद दास ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आज पंचायत आरक्षण पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, क्या लगता है क्या फैसला यहाँ पर कोर्ट दे सकता है? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर ग्वालियर इंदौर और जबलपुर में अलग अलग याचिका लगाई गई है और सभी याचिकाओं में आरक्षण की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इसी कारण चीफ जस्टिस रवि मुनिमत और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की जो युगल पीठ ने उसमें उन्होंने सभी याचिकाओं पर एक साथ आज के दिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है और आज ही उसका निर्णय होना है कि आखिरकार इसका भविष्य क्या होगा, त्रिस्तरीय चुनाव का, पंचायत चुनाव का क्या भविष्य होगा। सरकार की ओर से जहां एक और महाधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, वही याचिकाकर्ता के जो विभिन्न अधिवक्ताओं के साथ साथ ही राज्यसभा सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा पैरवी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव को आरक्षण प्रक्रिया के मामले में सरकार अब जो है सरकार की अलग अलग जो याचिका लोगों ने लगाई है और याचिकाओं में ये कहा गया है कि 21 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर आगामी पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा की है। इसके पहले 2019-2020 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है, तो इसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर ये याचिकाएं लगाई गई है। अभी देखना होगा कि किस तरीके से ये सुनवाई होती है। दो अलग अलग लोग हैं, नरसिंहपुर निवासी एक संदीप पटेल है और भोपाल निवासी बनमोहन नागर है, दोनों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की है। याचिकाओं में 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव कराने को चुनौती दी गई है, तो ये सभी चीजों को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो देखना होगा सुनवाई में क्या चीजें निकल कर आती है, इंतजार करना होगा। यदि महाधिवक्ता अपना पक्ष रख पाए तो चुनाव होगा, यदि विपक्ष की दलीलें मजबूत रही तो फिर देखना होगा निर्णय कोर्ट क्या लेती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। तो एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने जा रही है पंचायत आरक्षण को लेकर, आज हाईकोर्ट की सुनवाई होगी। जबलपुर इंदौर ग्वालियर में जो याचिकाएं लगाई गई है उन पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार की इस बार मुश्किलें हो सकता है बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई है वो कितनी मजबूती से दलीलें रखी जाएगी और किसके पक्ष में जो फैसला रहेगा वो रहेगा, क्योंकि आरक्षण पर हम देख रहे हैं लगातार सियासत देखने को मिल रही है और जब से पंचायत चुनाव की घोषणा जो है वो की गई है, ऐलान किया गया है और आरक्षण की जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है उस पर लगातार सवाल उठते हुए भी नजर आए हैं और याचिकाएं जो लगाई गई हैं इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में आज उस पर सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण सुनवाई इस तरीके से और इंतजार करना होगा जब सुनवाई होगी क्या कुछ फैसला यहाँ पर लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री